वेलकम बैक टू माई चैनल कुंजल। कैसे अगर मेरे चैनल कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उस पर जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी ये वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। कल है सूर्य ग्रहण, जी हाँ 25 तारीख को सूर्य ग्रहण होने वाला है और इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण में वो कुछ भी करती हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है उसके उनके गर्भ में पल रहे बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे कि अगर वो कुछ काटती हैं तो उनके बच्चे पे वो चीज़ पड़ता है, उनका जो देखते हो उनके बच्चे का यहाँ कटा हुआ रहता है होंठ के ऊपर, तो वो ग्रहण के कारण ग्रहण में वो कुछ काटती हैं तो उनके बच्चे को वैसा होता है, वह या कोई हाथ पैर या कुछ भी वो अगर टेढ़ा करती हैं तो बच्चे पे असर पड़ता है, बच्चे का वो टेढ़ा हो जाता है वो अंग। तो उनके लिए मैं बताऊंगी, जी हाँ मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ, मैं भी माँ हूँ, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों को बताऊँ कि कैसे संयम रहते। कंडा जिसे आप खरही भी बोल सकते हो, और दूसरा होता है धागा, जी हाँ जो जितना आपका लंबाई है उसे लंबाई से नाप के काट के और उसको एक कोने में खड़ा करके रख दिया जाता है और उसके बाद आप लेटे रहिए हाथ पैर सीधा करके तो आपके बच्चे को कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा है, जी हाँ मैं अपने पे आजमाई हुई हूँ, बगल में आप सिलवट्टा का जो लोढ़ा होता है उसको रख के आप सो लीजिए तो उससे क्या होता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ग्रहण में, लेकिन हाँ पैर हाथ सीधा करके उसमें भी सोना पड़ता है और उससे थोड़ा सा इधर उधर होगा तो बच्चे को कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे को यहाँ पर फुला के किया जाता है। तो ये ग्रहण का कुछ टिप्स था जो कि गर्भवती महिलाएँ जो हैं उनको करना बहुत ज़रूरी है और ग्रहण में घर से ना ही निकले तो ही बेहतर है।